आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य एकता नाहर की लिखी कहानी एक रंग खामोशी वाला। एकता दिल्ली में रहती है, भोपाल से बीटेक किया है, कविताएं लिखती हैं और पेंटिंग का शौक है। आइए सुनाता हूँ उनकी लिखी कहानी। कोई बच्चा जैसे पहली बार तितली को देखकर चौंक जाता है ना, कोई पहाड़ी लड़का जैसे पहली बार रेगिस्तान जाकर रेत को मुट्ठी में भर लेता है, या पहली बार समंदर को देखती लड़की उसकी लहरों में खुद को आजाद कर देती है। मैं भी हर दिन कुछ नया ढूंढता, कुछ अलग, कोई नई तस्वीर, कोई नया मौसम जो आंखों में कभी भले ही कैद हुआ हो पर कैमरे में कैद करना अब भी बाकी रह गया हो। ऑफिस के वक्त में फोटो खींचना मेरा काम था और खाली वक्त में शौक। रात देर तक एक म्यूजिक इवेंट में तस्वीरें लेता रहा तो आज अब तक रजाई में था। फोन देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। बाकी मैसेजेस के बीच ऑफिस ग्रुप पर मेरी कलीग सना का मैसेज भी था, जिसमें उसने आज के इवेंट्स की लिस्ट भेजी थी। एक लंबी सी जमाई लेते हुए मैंने मैसेज पर क्लिक किया। 11 बजे फूड फेस्टिवल था, फिर प्ले और शाम को पेंटिंग एग्जीबिशन। मैंने लेटे लेटे पूरे दिन का हिसाब लगाया और फिर हमेशा की तरह अदरक वाली चाय के एक कप के साथ दिन शुरू कर दिया। फिर उसके बाद तो वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और शाम के 7 बज गए। आर्टिस्ट फलक तिवारी। मैं वेलकम बोर्ड पर नाम पढ़ते हुए एग्जीबिशन हॉल में बढ़ा। नजरें दौड़ाई तो हॉल की दीवारें बड़े बड़े कैनवस से सजी थी। रंग के नाम पर सिर्फ ब्लैक और ग्रे ही नजर आ रहे थे, बाकी रंग थे मगर हल्के थे। पूरा हॉल जैसे उदास बुझा हुआ। क्या रंग भी इतने उदास होते हैं? होते होंगे, या शायद कोई एक रंग होता होगा उदासी वाला जिसमें मिलकर बाकी रंग भी उसी शक्ल के हो जाते होंगे। थोड़ी देर बाद मैं पेंटिंग्स के करीब खड़ा था, देख रहा था कि किसने इतनी बारीकी से उस कैनवस पर मन के सबसे अंदर का सबसे टूटा थका हारा कोना खोल कर रख दिया था। एक पेंटिंग में एक बच्ची अपने पीछे कुछ गुलाब के फूल छिपाए खड़ी थी। उसकी उदास आंखों का रंग गुलाब के रंगों को भी फीका कर रहा था। एक दूसरी पेंटिंग में एक लड़की आग की लपटों से डर रही थी। आसपास से गुजरते लोग वाओ अमेजिंग कहते, फोन से फोटो क्लिक करते, पेंटिंग के नीचे लिखा डिस्क्रिप्शन पढ़ते, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, कैनवस साइज, थीम। लेकिन मैं जैसे ठहर गया था, खो गया था उन पेंटिंग्स में। कुछ देर में जब सना का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ तो देखा कि कैमरे का कवर अब तक खोला भी नहीं था। नमन अच्छे अच्छे फोटोज कर लो, ये स्टोरी तो सिटी के कवर पेज के लायक है। मैंने सना की तरफ देखा, वो भवें फैलाकर चौंकाने वाले अंदाज में बोली, तुम्हें पता है आर्टिस्ट देख सुन नहीं सकती, वो देखो शीज देयर। सना बिना मेरे जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ गई थी और मैं वहीं खड़ा इन बोलती तस्वीरों को बनाने वाले शख्स के उस खामोश चेहरे को देख रहा था। किसी शांत झील की तरह खड़ी वो 23-24 साल की लड़की मेरे कैमरे के परफेक्ट एंगल पर थी। सना और बाकी रिपोर्टर्स उसको घेर कर खड़े थे। वो एक बिना फूलों वाले गुलाब के पौधे की पेंटिंग की तरफ देखकर कुछ इशारा कर रही थी और उसके बगल में खड़ी एक लड़की उसके इशारों को शब्दों में बदलकर बता रही थी। शायद पेंटिंग की थीम के बारे में कोई सवाल था। फिर जैसे जैसे सवाल बदलते, जवाब में उसके हाथों और आंखों के इशारे बदलते। बाकी लोगों की तरह मैं भी उसका कोई इशारा पढ़ नहीं सका। क्या किसी को समझने के लिए मुंह से बोलना और कानों से सुनना इतना जरूरी है? दुनिया में इतनी भाषाएं हैं, लेकिन उससे बात करने के लिए उस वक्त मैं कोई भाषा नहीं जानता था। मैंने उसकी कितनी तस्वीरें ली, ठीक आई भी या नहीं, उस वक्त मैं कुछ नहीं सोच सका। ऑफिस आकर एडिटिंग करते वक्त भी नहीं, यहां तक कि यह भी नहीं कि उसने किस रंग का कुर्ता पहना था, कैसे इयररिंग्स पहने थे, कैसे बाल बांधे थे। मैं टेबल पर रखे हेडफोन कानों में लगाकर एग्जीबिशन की सिलेक्टेड तस्वीरों को जूम करने लगा। गाना प्ले किया तो दिल जैसे ठिठक गया। सोचने लगा कि आवाजों से खाली दुनिया कैसी होती होगी। न किसी चिड़िया के चहकने की आवाज, न किसी वायलिन की धुन की, न पहाड़ों पर अपने ही शब्दों के गूंजने की, और न ही पायलों के छनकने और चूड़ियों के खनकने की। मैंने गाना पॉज कर दिया।
कोई उदासी थी जो मेरे साथ साथ चली आई थी, मुझसे खामोशी से बातें कर रही थी। उसके बारे में नाम भूल गया था मैं उसका। सना, वो आर्टिस्ट का नाम क्या था? मैंने हेडफोन वापस टेबल पर रखते हुए पूछा। कौन, वो एग्जीबिशन वाली? कितनी अच्छी पेंटिंग करती है यार। सना ने अपनी डेस्क से ही मेरी तरफ देखकर जवाब दिया। फलक। मैं दोहरा रहा था उस नाम को जो मैं कह तो सकता था लेकिन वो सुन नहीं सकती थी। क्या मैं कभी उसे उसके नाम से नहीं पुकार पाऊंगा? फोटोज अभी देना, स्टोरी फाइल होनी है, सना ने कहा तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा। रात बिस्तर पर इंटरनेट पर कुछ खोजने लगा, हमारे बीच उन लोगों की दुनिया के बारे में जो सुन और बोल नहीं सकते। कुछ पढ़ते पढ़ते याद आया कि कल एग्जीबिशन का पता और फलक का नंबर सना ने भेजे थे। मैंने नंबर निकाला और मैसेज टाइप करने लगा। बार बार कुछ टाइप करते मिटाते मैंने कॉन्ग्रेट्स का मैसेज कर दिया। एक बार फिर डिलीट करने का सोचा लेकिन तब तक मैसेज के आगे ब्लू टिक आ चुका था। उसने मेरा मैसेज देख लिया था। अगर हम कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो अपनी जिद मनवाने के लिए कैसे रूठते? किसी फेरी वाले का इंतजार करने के लिए क्या सारा वक्त घर की चौखट पर खड़े रहते? कैसे दिखाते अपना गुस्सा, नाराजगी? कितना मुश्किल होता ना ये सब। रात फलक का रिप्लाई ना आने पर मैं देर तक उसके बारे में सोचता रहा। सुबह आँख खुली तो सीधा दरवाजे की तरफ भागा। आज का अखबार उठाया, फलक का इंटरव्यू था। बड़ी सादगी से उसने सब बताया था, अपने बचपन के बारे में, अपनी तरह न बोल सुन सकने वाले अपने माता पिता के बारे में, रंगों के बावजूद भी रंगों से खाली दुनिया के बारे में, साइन लैंग्वेज में आने वाली मुश्किलों के बारे में, अपने सपनों के बारे में। कितना मुश्किल था ये जानना कि उसकी जिंदगी में उदासी ज्यादा थी या उम्मीदें। उसकी हर बात से मुझे वो और ज्यादा अच्छी लगने लग जाती थी। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरे फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। आपने बहुत अच्छी स्टोरी फीचर की, थैंक यू, फलक का मैसेज था। मैं जानता था ये मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस का रिप्लाई नहीं बल्कि उसने एक साथ उन सबको थैंक यू भेजा होगा जिन्होंने उसकी स्टोरी कवर की, लेकिन मेरे लिए उसका वो मैसेज खास था, शायद सबसे अलग। उस थैंक यू मैसेज के बाद आने वाले दिनों में हमारी बातें अक्सर होने लगीं और बातें शुरू हुई तो फिर पसंद का खाना, पसंद का रंग और जाने कितने ही सवाल हमने एक दूसरे से पूछे थे। तुमको भी साउथ इंडियन खाना पसंद है? अच्छा, तुम कविताएं भी लिखते हो? जब वी मेट, सेम, मेरी भी फेवरेट मूवी। और शक्तिमान, मैं तो बचपन में उसी की एक्टिंग करता था, छत पे जोर जोर से घूम के शक्तिमान चिल्लाता था। तुमको भी पसंद था क्या? एक दिन जब मैंने उससे पूछा तो देर तक उसका रिप्लाई नहीं आया। मैं शक्तिमान नहीं देख सकती थी, टीवी सीरियल में सबटाइटल नहीं आते। पूरा दिन निकल जाने के बाद शाम को फलक का रिप्लाई आया था। मैंने लंबी सांस लेकर अपनी आंखें मीच ली। लगा जैसे कुछ चुप गया हो मन में, अपना ही बोया कुछ। कैसे बार बार मैं कुछ ऐसा कह जाता जो उसे तकलीफ दे जाता, और कितनी मासूमियत से वो अपनी तकलीफ छुपा जाती। क्या मैसेज भेजने से पहले बार बार पढ़ना ही मेरे पास एक जरिया था उसके दुख का हिस्सा बनने का? एक रोज उसने पूछा था, तुमको फैज की नज़में पसंद हैं? तो जाने किन ख्यालों में मैंने उसे फैज की नज़मों के 3-4 वीडियो के लिंक शेयर कर दिए। कुछ देर बाद ख्याल आया तो फटाफट जेब से फोन निकाला। उसने मैसेज अब तक देखे नहीं थे। उस दिन मैंने मैसेज डिलीट तो कर दिए लेकिन आवाज के उस फासले को डिलीट नहीं कर पा रहा था जो मेरे और उसके बीच में था। घड़ी में 9:15 बजे थे। दोनों सुइयां एक दूसरे से दूर जाती हुई मानो किसी ग्लोब को आधा बांट रही थीं, किसी इक्वेटर की तरह। दो दुनिया जिनमें एक में फलक थी और एक में मैं, और बीच में आवाज की कोई लकीर। किसी की दुनिया को जानना कितना आसान है लेकिन उसे समझना कितना मुश्किल। मैं अब भी फलक की दुनिया को जैसे बस दूर से जानता था। उस रोज पूरे 5 महीने बाद मैं एग्जीबिशन के बाद पहली बार उससे मिला था, उसकी पेंटिंग क्लास में जहां वो बच्चों को पेंटिंग सिखाती थी। एक कोने में कुछ रंगों की डिब्बियां, कुछ ब्रश, कुछ कैनवस और एक मुकम्मल तस्वीर की तरह वो खुद खड़ी थी।
उसके साथ उसकी वो दोस्त भी थी, शायद वही जो उस दिन एग्जीबिशन में थी। फलक ने बताया कि वो हर जगह उसके साथ जाती थी। फलक जो भी इशारों में समझाती वो उसे बाकी लोगों को समझा देती। मेरे और फलक के बीच भी बातचीत का वही जरिया थी। मैंने उस दिन फलक से कागज पर लिखकर बातें की, कभी उसके इशारों को समझने की कोशिश की, फिर देर तक उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता रहा। एक ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग में बनी हाथ फैलाए एक छोटी बच्ची को देखकर मैंने कहा, तुम इस लड़की के हाथों में गुब्बारे क्यों नहीं पकड़ा देती, बहुत सारे अलग अलग रंगों के। मैंने कहा तो उसकी दोस्त ने मेरी बात को उसे इशारों में समझा दिया। वो मुस्कुरा दी। उस वक्त मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाना चाहता था, उसकी सारी तस्वीरों में रंग भर देना चाहता था, उसकी ढेरों तस्वीरें खींचना चाहता था, उसके लिए फैज की नज्म बन जाना चाहता था, वो दो खूबसूरत हाथ बन जाना चाहता था जो उसकी पेंटिंग की उदास लड़की को अपने पास बैठाकर प्यार कर रहे हों। उसे कह देना चाहता था कि अब से आसमानी रंग बस तुम ही पहनना, ये तुम्हारे नाम की तरह अब किसी और पर नहीं जचता। उस दिन के बाद मैं अक्सर उससे मिलने लगा था। मुझे अब हर वक्त डायरी और पेन जेब में रखना याद रहने लगा था ताकि फलक से बातें कर सकूं। याद रहता था कि सड़क पार करते वक्त उसका हाथ पकड़ लेना है जैसे उसकी दोस्त किया करती है। उस रोज उसको साथ फिल्म ले जाने के पहले ही मैंने काउंटर पे फोन करके पूछ लिया था, सबटाइटल्स है ना इसमें? साइन लैंग्वेज की किताब की मदद से अब थोड़ा थोड़ा उसके इशारों को समझ लेता था। हाँ, जब वो जल्दी जल्दी कुछ बता जाती तो मैं घबरा के उसे देखने लगता, वो समझ जाती और मुस्कुरा देती। जब वो कोई पेंटिंग मुझे भेजती तो मैं उसमें कोई ना कोई रंग जरूर जोड़ देता। कोई फैज की नज्म सुनाओ, एक दिन क्लास में उसने इशारों से कहा था, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। उस दिन फैज की नज्मों पर एक्ट करते करते मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसने मेरी तरफ देखा तो मैं उसके सामने बैठ गया, दोनों आंखें नीचे, गर्दन झुकाए, दोनों हाथों को अपने सीने तक ले जाकर उससे कह दिया कि मैं उससे प्यार करता था। उसने हाथ छुड़ा लिया, गर्दन झुका ली, वहीं घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गई। मैं डर रहा था कि कहीं अपनी किसी गलती की वजह से मैं उसे खो न दूं। दो साल पहले मिली ये लड़की मेरे लिए कितनी खास हो गई थी। मैं उसके साथ आधे चांद के नीचे सपने बुनना चाहता था, उसके साथ खिड़की से बारिशें झांकना चाहता था, प्रेम के सारे कबूतरों के हाथ उसे चिट्ठियां भेजना चाहता था। वो मेरे सामने चुपचाप बैठी थी, मैं उसके किसी इशारे का इंतजार कर रहा था, उसकी हाँ का। कुछ देर बाद उसने एक कागज उठाया और उस पर कुछ लिखने लगी, या शायद कोई तस्वीर बना रही थी, मैं उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने वो कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। नमन, मेरी दुनिया का हिस्सा होने के लिए बस साइन लैंग्वेज सीख लेना काफी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। तुम्हारे और मेरे बीच ये खामोशी की दूरी कैसे मिट पाएगी? तुम पसंद हो मुझे, बहुत पसंद। हाँ, मैं बाकी दोस्तों के सामने जितना असहज होती हूँ, तुमने हमेशा मुझे उससे दूर रखा है, कभी मुझे दया या सिंपथी की नज़र से नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम दो अलग दुनिया में बड़े हुए हैं। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे के साथ इसलिए सारी उम्र गुजार सके क्योंकि वो दोनों एक से हैं, दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं था, आवाज़, सुर, संगीत दोनों के लिए नहीं थे। जब मैं पैदा हुई तो मेरे मम्मी पापा को बस यही फिक्र थी कि मैं उनके जैसी ना हूं, पर डॉक्टर ने कह दिया कि इसके चांसेस बस 15% थे। मेरे होने के बाद न उन्होंने कभी मेरे खिलखिलाने की आवाज़ सुनी और न मैंने कभी उनके डांटने की। मैं बचपन में कब सोते सोते उठ जाती थी, कब रोने लगती थी, वो नहीं समझ पाते थे। कभी खेलते खेलते गिर जाती तो घंटों रोती रहती, पर माँ नहीं सुन सकती थी। फिर वो हर वक्त मेरे साथ रहने लगी। और अब श्वेता, कल को हमारा बच्चा भी मेरी तरह हुआ तो तुम क्या मुझे दोष नहीं दोगे, या अपने ही किए इस फैसले को? अगर रंग मेरी दुनिया में नहीं आते तो मैं जैसे बेजान थी। कितना मुश्किल होता है किसी को समझा पाना, किसी ट्रेन में, सड़क पर, रेस्टोरेंट में, या कहीं भी।
तुम्हें याद है उस दिन जब श्वेता नहीं थी और तुम भी मॉल की भीड़ में नहीं दिख रहे थे, मैं कितनी घबरा गई थी। तो मेरी आवाज नहीं, सिंपथी बन जाओगे। हम दोस्त ही अच्छे हैं नमन। मैंने जोर से वो कागज थाम लिया, जोर से आंखें मीच ली। मैं खुश था कि दोस्ती का हक उसने मुझसे नहीं छीना था। इतने दिन उसके साथ बिताकर मैं समझ पा रहा था कि लंबी उदासियों के बाद मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। आसान नहीं होता अपने उस खोल से निकल पाना जिसमें दुनिया ने सालों तक तुमको कैद किया हो। कितना सच तो लिखा था उसने, वो कैसे जी पाएगी मेरे प्यार को एहसान की नजरों से देखकर। सपने कभी ख्वाहिश बनकर आते हैं, कभी हाथ से। उस रात आए सपने ने मुझे डरा दिया था बुरी तरह। जाने किस बात पर नाराज होकर फलक ने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। उस एक बंद दरवाजे ने मुझे उससे मीलों दूर कर दिया था। मैं चिल्ला रहा था, फलक फलक, पर न वो मुझे सुन सकती थी, न कुछ कह सकती थी, और अब देख भी नहीं सकती थी। न मेरे इशारे, न मेरी आंखें। मैं कैसे वापस लाता उसे? उस रात डर गया था इतना ज्यादा कि फलक को एक पल के लिए भी नाराज करने के ख्याल से भी कांप जाता था। फलक के साथ दोस्ती मुझे कबूल थी, हर हाल में कबूल थी। मैंने उसका साथ चुना था, उसे दोस्ती या प्यार का नाम देना कहां जरूरी था। उसके साथ मैं थोड़ी और जिंदगी जीने लगा था। मैं अपने कैमरे में अब तस्वीरें नहीं जिंदगियां उतारने लगा था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, एक रोज मैंने उससे कहा था, ये जानने के बाद कि वो हफ्ते में दो दिन अपनी ही तरह स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ वक्त बिताने जाती है। मैंने स्कूल की खराब हालत देखकर वहीं के ही किसी स्टाफ से पूछा था, यहाँ टीचर्स नहीं है क्या? हैं तो सर, मगर उतने ही हैं। अब इन स्कूलों का तो यही हाल है साहब, ये बच्चे 12वीं तक भी पढ़ लें तो मुश्किल है। उसने आंखों को चढ़ाकर इस अंदाज में कहा कि मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आ रहा था। अब नौकरी तो किसी को देनी नहीं इनको, क्या करेंगे पढ़ लिख के? उसने मेरे पूछने पर फिर कहा। मैं उससे बिना कुछ कहे वापस आ गया। हर बार उस स्कूल जाना मुझे कभी गुस्से से भर देता तो कभी दुख से। मैं फलक के बिना भी वहां जाने लगा था, जैसे वो स्कूल फलक का ही कोई हिस्सा हो। बच्चों के साथ खेलता, उनसे इशारों में बातें करता, उनके साथ साइलेंट फिल्में देखता, उनकी तस्वीरें लेता। मैं महसूस कर सकता था फलक की दुनिया, उसका बचपन। फलक ने भी उस दिन के बाद मेरे उससे किए इजहार का जिक्र मुझसे कभी नहीं किया था, नहीं मेरी दोस्ती पर कभी कोई सवाल उठाया था। मुझे उसकी यही सादगी सबसे अच्छी लगती थी। आज मेरी पहली फोटो एग्जीबिशन थी। मैं कोने में खड़ा था, लोग आते, मुझे विश करते, मेरी तस्वीरें लेते। आज मैं पहली बार कैमरे के दूसरी तरफ था। मैं उनका शुक्रिया करता हुआ फलक का इंतजार कर रहा था। मैं मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ आया, वो अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। उसे देखते ही उसके स्कूल के सारे बच्चे उसके पास आकर उसे घेर कर खड़े हो गए। एग्जीबिशन की तस्वीरें उन्हीं बच्चों के बारे में थीं, इसीलिए मैंने उन्हें भी बुलाया था। वो एक एक करके सारी तस्वीरें देखती, मैं उसकी आंखों के कोनों को भीगता हुआ देख रहा था। ये तुम्हारे लिए, कहते हुए मैंने एक फोटो उसकी तरफ बढ़ा दी। फोटो में उसके माँ पापा थे, नीचे लिखा था, जैसे 4 साल साथ साथ बिता लिए ना, वैसे ही 40 साल और बिताना चाहता हूँ, ऐसे ही बूढ़ा होना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। उसने मेरी तरफ जैसे ही नजरें उठाई, मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ थाम लिया बिना कोई इशारा किए। हाँ, ये वही रंग था, खामोशी वाला, पूरे भरोसे वाला, जिसमें मिलकर सारी आवाजें बेअसर हो जाती हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।